आज जब मुझे सहरी के लिए उठाया गया तो मुझे पहले यह समझ नहीं आ रही थी कि मैं हूँ कहाँ पर। जब मेरे ये होश आवाज बहाल हुए तो मैंने सहरी खाई और फिर मैं नमाज के लिए वुजू करने चला गया। जिन बातों के करने का इत्तेमाम करने का हुक्म फरमाया है और जिन कामों से रोका है रब ताला, या अल्लाह हमें उसी तरह रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम, गुड टू सी यू ऑल हियर अगेन। ओके, लेट्स गो। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पहली वजह यह है कि आज रमजान का पहला रोजा है। सुबह मैंने सहरी की और उसके बाद नमाज पढ़ के मैं सो गया था। मैं उठा हूँ ऑफिस के लिए, मैं पहले ऑफिस जाऊँगा। और सेकंड वजह जो आज की है वो ये है कि आज मेरी एनिवर्सरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि आज हम कोई अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे। मैं भी चलता हूँ ऑफिस और मिलता हूँ कुछ थोड़ी देर बाद। काफ़ी देर हो गई है, अभी तक थकावट जो है ना गुजरावाला की वो बगाए, तो सुबह आँख नहीं खुल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं उठा, फ्रेश हूँ और अब ऑफिस जा रहा। शायद ये नीचे कर। ना करें ना करें, नीचे करो। सिद्धार्थ साहब हैं, इनको बहुत मोहब्बत है मेरे साथ, ये मार मार के अपनी मोहब्बत पूरी करते हैं। ना करें ना करें। सिद्धार्थ साहब क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ साहब इनकी पता नहीं मोहब्बत किस तरह है, जब भी मैं आता हूँ ऑफिस में तो मेरे बुरा हाल कर देते हैं। ये देखें मेरी ये कहाँ चली। मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये क्या करते हैं? जितनी इनकी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी उम्र इनकी छोटी होती जा रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या मजा है, तबीयत छोटी होती जा रही है। बच्चे बंदे जा रहे हैं, अब शहीन की खैर नहीं है। 2 hours later बड़ी मजे मजे की खुशबू आ रही है और मेरा तो मुझे ज्यादा खुशी फील हो रही है कि आज क्या खाने को मिलेगा, कुछ मजे का ही मिलेगा। क्या बन रहा है? वाओ, ये क्या? और वाओ, ये भाभी बना रही है पकौड़े की फुलकियाँ। ये कुछ बन चुके हैं, ये तो भले बनेंगे आज। अच्छा वाह, और क्या बनेगा साहब? और चार से और बस, और क्या करेंगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं। रमजान में मेरी ड्यूटी होती है पकोड़े बनाना। मुझे पकोड़े बनाना बहुत पसंद है, इस तरह से मैं हेल्प भी कर देता हूँ घर वालों की और मेरा अच्छा गुजार गुजर जाता है। आपको भी मेरे ये हाथ के बने हुए पकोड़े जरूर पसंद आ रहे होंगे। अभी मेरा जो प्लान है ना वो केक लेने जाने का है, क्योंकि मैंने अफ्तारी कर ली है और बहुत पानी पिया है, ऐसे पेट मेरा पूरे मैदे में पानी ही पानी है। अच्छा, और कुछ भी नहीं है, वैसे तो हिला ही नहीं जा रहा था। अब मैं जाता हूँ केक लेकर आता हूँ और देखते हैं कि बाहर जाके आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। केक लेता हूँ हम उससे और देखते हैं हमें कौन सा अच्छा केक मिलता है। विशाल मेरे साथ है, हम दोनों पसंद करेंगे आज कौन सा केक लें, तो वो हम जाके लेंगे। हम डायरे लेकिन हमसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हम कौन सा केक लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। चॉकलेट लें, क्रीम लें, स्ट्रॉबेरी वाला लें, ये देखें लें स्ट्रॉबेरी, या फिर कैरमल लें, ये कैरमल भी पड़ा हुआ है। अभी हम इतनी देर से यही बात सोच रहे हैं। 2000 years later ये डिसाइड किया कि हम चॉकलेट की तरफ जाएंगे और चॉकलेट ले लिया और अब पेमेंट करते हैं और निकलते हैं वापस। अभी हम आए हैं वैशाल की मम्मी को लेने। पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर वालों के साथ स्पेंड करूं, क्योंकि मम्मी पापा भी आए हुए थे, लेकिन ऐसे हुआ कि उनको नींद आ गई तो सो गए हैं घर पर। हमें काफ़ी देर हो गई है, तो अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। मैंने कहा चले अगर देर हो गई है तो हम यही किसी ऐसा रेस्टोरेंट में अपनी एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट कर लेते हैं। फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ये क्या है विशाल? ये खाना है आपने, ये ऑर्डर करना है? अच्छा जल्दी ले कर रहे हैं यार, ये कौन इस तरह गुस्से से बात करता है? गुस्से से नहीं बात करनी।
तो हमसे भी ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं मुझे दो डबल किलो है, तो खाती नहीं है फास्ट फूड, लेकिन यहाँ पर उसका टेस्ट इतना अच्छा लग रहा है कि बार बार बाहर मिल रहा है। अब उनके बर्तन साफ हो रहे हैं, विशाल को हम नींद से उठा कर रहे हैं, इतनी इतनी कुछ पौनियाँ इधर और कुछ पौनियाँ उधर है। वाह, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। तो जो हमारी सेकंड बर्थडे है और ये मेरे तो सरप्राइज था, सब कुछ एक प्लान नहीं था लेकिन अनप्लान था, लेकिन हो गया सब कुछ प्लान और बेहतरीन प्लान हो गया, और इन भाइयों ने काफ़ी साथ दिया अच्छे के अंदर। तो दिस इज आवर केक फॉर एनिवर्सरी। आर यू हैप्पी? सॉरी क्यों, शुक्र होने वाली हो रही है। एक तो पता नहीं औरतों को सरप्राइज दो तो भी कुछ नहीं, आप हमारे चप्पल ना दो तो भी कुछ नहीं होता, चप्पल भी दिखा दें हाल से कुछ नहीं। सर का टेस्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत मज़े का था और बहुत टेस्टी था। मतलब हमने थोड़ा कम खाना मंगवाया लेकिन टेस्ट बात तो यमी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं वैसे गुजरता रहता था और ऐसा देखता रहता था, कभी को ट्राई नहीं किया, लेकिन आज बाई चांस ही आ गए। तो अभी चलते हैं, बस घर के लोग थक गए हैं और लेट भी बहुत हो गए हैं। फिर चलो मिलेंगे कल के दिन में एक नए व्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।